हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर बेसिक मैथ्स 2022 टू 2023 का सेक्शन डी। और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ओके, एक चीज मुझे दिया हुआ है क्लियरली कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन बोला हुआ है। ओके, तो काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 11 किलोमीटर ज्यादा फास्ट है, ठीक है, देन पैसेंजर ट्रेन। ओके, हमें दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। क्वेश्चन में बोला क्या क्या है, शुरू से आप बात करते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेता है देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, सो द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज टी और टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज टीपी। बोल रहे एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, तो ये गिवन है मेरे को, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन क्या कर रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है देन पैसेंजर ट्रेन, ये मैंने टाइम के अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया है। अच्छा एक बात बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, अगर पैसेंजर ट्रेन एक्स किलोमीटर से चल रहा है तो 132 किलोमीटर एक्स की स्पीड से चलेगा पैसेंजर ट्रेन का स्पीड, ये टाइम हो गया है ना। और टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो गया, देखो यही फॉर्मूला से, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, एक्स प्लस 11 किलोमीटर की स्पीड से, डिस्टेंस तो वही सेम है ना। दैट मीन्स मेरे को गिवन क्या है, 132 बाई एक्स माइनस 1 बराबर 132 बाई एक्स प्लस 11। ओके, और यहाँ से क्या आता है, 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 उधर चला गया। अच्छा, 132 अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों तरफ तो यहाँ आता है 1 बाई एक्स और ये आता है 1 बाई एक्स प्लस 11। तो 132 यहाँ पे आ जाता है एक्स प्लस 11 माइनस एक्स देखिए चला जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 254 कुछ ही आपको मिल जाएगा। ओके, 132 इंटू 11 इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स बराबर 1452 मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे को यहाँ पे, है ना। ओके, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0, है ना। तो 1452 का फैक्टराइज करना है मैंने, उसके बाद देखना है क्या होता है, ठीक है। तो 1452 का फैक्टराइज करते हैं पीछे, 1452
थ्री जो सिक्स, टू सिक्स जो ट्वेल्व, टू थ्री जो सिक्स, थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, थ्री वन जो थ्री, आपका आगे इलेवन, इलेवन जो 121। अच्छा चेक करते हैं मेरे को लाना कितना है एक्चुअली में, मेरे को इलेवन चाहिए बीच में। ओके, टू टू जो फोर, फोर जो ट्वेल्व। ओके तुम्हें देख रहा हूँ, टू टू जो फोर, फोर इलेवन जो 44, थ्री इलेवन जो 33, और 44 माइनस 33 करेंगे तो 11 आता है, लेकिन मुझे हाँ 11 ही चाहिए। तो मैं लिख दूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, के कॉमन ले लेंगे तो एक्स एक्स प्लस 44, यहाँ पे माइनस 33 एक्स प्लस 44, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 33 और एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। अच्छा तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, अब देखिए ध्यान से, एक बार एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0 और एक बार एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स आ जाएगा 33 और यहाँ से एक्स आ जाएगा माइनस 44। अब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो रिजेक्ट करेंगे ये वाला, तो मेरे को क्या हो गया, मेरे को स्पीड मिल गया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन मेरे को मिल गया, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर। ओके अच्छा नेक्स्ट में आते हैं, बोला है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेन का, तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 11, दैट मीन्स स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना आ जाएगा, 33 प्लस 11 दैट मीन्स 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा दो आंसर हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, 32 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और करके, ये वाला भी करते हैं। अच्छा आपको मेरे को बोला हुआ है गिवन कि स्टील वाटर में बोट का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। ओके तो वो जो बोट है उसको 1 घंटा लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा, जैसे ये बोट अप ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ आएगा, बोट ऊपर की तरफ जाएगा फिर बोट क्या होगा नीचे की तरफ आएगा। तो बोला बोट का स्टील वाटर में स्पीड भी दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर, गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। लेट कर लेते हैं, हमको तो निकालना, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब एक लहर होता है पानी में, एक करंट टाइप का वेव, उसका स्पीड मेरे को निकालना है, तो वो मान लो एक्स। तो एक चीज आपको पता होगा कि जब बोट ऊपर जा रहा होगा तो वो करंट जो होगा बोट को डिस्टर्ब करेगा ऊपर जाने में, तो बोट का जो भी स्पीड रहेगा, जैसे 18 बोट का स्पीड है तो ऊपर जाने के टाइम में बोट का स्पीड जितना करंट का स्पीड है उतना कम हो जाएगा स्पीड, दैट मीन्स अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड इतना होगा। इसी तरह डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का स्पीड करंट उसके उतरने में और मदद करेगा, तो डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके तो देखो मेरे को अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि बोट को, ठीक है, मोटर बोट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, ऊपर जाने से ज्यादा उसको टाइम, और नीचे जाने से ज्यादा उसको टाइम ऊपर जाने में लग रहा है, कितना, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। सो तो बोट जब ऊपर जा रहा है तो बोट अपस्ट्रीम है ना, तो सो तो टाइम जो बोट ले रहा है वो टी है, टाइम जो बोट ले रहा है वो टी है और अपस्ट्रीम में यू ले रहा है ना अपस्ट्रीम,
और नीचे जाने के लिए जो टाइम ले रहा है सोचो वो डाउन स्ट्रीम। ओके, अब अपस्ट्रीम में क्या लग रहा है उसको, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है देन डाउन स्ट्रीम, यही मेरे को गिवन है। ठीक है, बोर्ड को ऊपर जाने में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है देन नीचे जाने में, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा क्योंकि करंट उसको डिस्टर्ब करता है, उसको ज़्यादा ताकत लगेगा ऊपर जाने में, बोट को ज़्यादा ताकत लगेगा। तो अब यहाँ पे आपको पता है टाइम निकालते कैसे, वो डिस्टेंस बाय स्पीड से आपको पता है टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा, जाना तो वही 24 किलोमीटर ही है, बस जब अपस्ट्रीम जा रहा होगा तो स्पीड कितना हो रहा होगा, 18+x है ना, मतलब ऊपर जाने का टाइम 24/18+x। जब नीचे आ रहा होगा तो 24 किलोमीटर ऊपर जाएगा और नीचे आने का स्पीड 18-x, दैट मीन्स 24/18-x। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 इधर ही रहे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 24/18-x माइनस 24/18+x। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 24 अगर कॉमन हो जाएगा तो 1/18-x माइनस 1/18+x। अच्छा, अगर मैं इसको एलसीएम कर लूँ तो ये आ जाएगा 18+x माइनस 18-x बाय 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। और ये कितना आ जाएगा, 24, ये 18 और ये -18 कट जाएगा और x+x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 × 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 18 स्क्वायर मतलब 324 - x स्क्वायर, तो मेरे को मिलेगा 324 - x स्क्वायर बराबर 48x। अच्छा, ये सारा उधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 3x² + 48x, 48x माइनस 324 है ना। अच्छा, 324 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 1 2 2 6 12 2 4 2 8 16 3 2 6 3 7 21 3 9 27। ओके, मेरे को चाहिए कितना, 48। टू जो 4 4 3 जो 12, 12 और 36, 36 और 9 ये होता है 48, बट मेरे को लगता है ये वाला यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि -324 है लास्ट में, कि 2 sin + 1 - में आएगा, 3 sin + 1 - में आएगा, तो नहीं होगा। आपको मिडिल टर्म जब करेंगे ना देखना, आप करके देखेगा ये गलत आएगा। ठीक है, कुछ और हो सकता है, हम देखते हैं क्या होगा। 2 2 2 3 6 6 3 18 18 3। अच्छा, ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ये वाला नहीं करके हम ऐसा कर सकते हैं, 2 3 6 6 3 18 18 है ना, 54। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 54, 2 3 6 6 3 18 18 3 54, और यहाँ पे ये और ये इंटू कर देंगे तो 2 3 6, ये वाला सही रहेगा, मेरा कितना आ जा रहा है, 48, 48 आ जा रहा है, 54 - 6। हाँ, और मेरे को क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, तो मैं इसको 54x - 6x लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ x² + 54x - 6x - 324 = 0 है ना। तो
यहाँ पे क्लियरली आप देखिए एक बार, एक्स एक्स प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 54, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाता है, देखिए आप, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 6 और एक्स इक्वल टू माइनस 54। तो जो नेगेटिव वाला है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख देना स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका स्पीड जो आ गया स्ट्रीम का वो कितना आ गया, स्पीड देयर फोर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं 33। 33 में बोला है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये एक थ्योरम है, पीपीटी थ्योरम, ये मेरे को प्रूव करना है। ओके, मेरे को बोला है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बीसी का, राइट है ना, पैरेलल बनाया गया लाइन को, तो मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके यहां बनाता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सके चीजों को। इस फिगर में ए डी ई ट्राइंगल है और यहाँ पे बी सी है, करेक्ट। यहाँ पे एक काम करना है हमने, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सपोज ये एम और ये एन, ओके, और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना है और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर देना है, ओके। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गिवन जो अभी है ना, सपोज ए ट्राइंगल एबीसी है ना, एक ले लो सपोज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आप मान लो, सपोज अ ट्राइंगल एबीसी वेयर डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मान लिया हमने, अच्छा तो यहाँ पे और एक चीज़ है, मतलब डी पैरेलल टू बी सी हो गया कहानी, यहाँ पे ऐसा है। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना सारा एरिया निकालेंगे कुछ ट्राइंगल्स का, आप लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने क्या कर दिया, पहले कुछ जो जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया लिख देता हूँ मैं, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी है ना, और एक काम किया मैंने, ज्वाइन किया है ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन बीई, ज्वाइन डी सी एंड बी एक साथ देख सकते हैं आप लोग, ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन बी। अच्छा ज्वाइन कर लिया, अब कुछ ट्राइंगल्स के एरिया निकालते हैं। देखो सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी का ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, मान लेंगे इसको बेस, ए डी को बेस और इसको एल्टीट्यूड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, दैट मीन्स ए डी इंटू, और हाइट कितना हो जाएगा इधर, ई एम हो जाएगा। बेस किसको पकड़ लिया, ए डी को बेस पकड़ लिया, तो फिर हाइट क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, एक और ट्राइंगल आपको देखते हैं, ट्राइंगल बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, बी डी कैसा दिख रहा है आपको, देखिए आपको ऐसा दिखेगा बी डी, ठीक है। अब यहां पे जो है बी डी ई है, तो यहां पे परपेंडिकुलर तो मेरे को यहां कहीं पे मैंने बना रखा है इसका, तो जो हाइट हो जाएगा इसका वही हो जाएगा जो बाहर की तरफ है, आउटर आउटर हाइट है इसका। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल में हम लोग जो हाइट है, हाइट इसका आप लोगों को पता अगर होगा, थोड़ा छोटा करता हूँ ट्राइंगल को,
देखो अगर मैं इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ कहीं जाएगा, यहीं से कहीं से जाएगा ना, तो ये जो ट्रायंगल का हाइट हमको जो है, हम ये जो एक्सटर्नल हाइट है यही इसका हाइट होगा। अगर आप ना ऐसे नहीं देख के ना इसको अगर थोड़ा घूम के बीडी की तरफ से बेस पकड़ के सोचिए, तब तो आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा चीज़ें। जब बीडी बेस होगा तो हाइट ईएम हो जाएगा, ईएम ये आप चाहो तो आप फिगर में देख सकते हो, ईएम फिगर में आप देखो ध्यान से, ठीक है, ई एम हाइट हो जाएगा जब बी डी बेस होगा तो ई एम हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी हाफ इंटू बेस बी डी हो जाएगा और हाइट ई एम ही हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूँ, देयर फॉर एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ बी डी जो आया वो आ रहा है हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एम बाई हाफ ऑफ बी डी इंटू ई एम। ये दोनों अगर काट दिया जाए और ये भी कट जाए तो बचता क्या है, ए डी बाई बी डी, इसको वन ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या आ गया मेरा, ये आ गया। अब इसी तरह उस सेम अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूँ। तो हम लोग फिर से अभी देखें यहाँ पे, जैसे मैंने आगे किया था वैसे ही यहाँ पे फिर से ए डी ई का एरिया निकालेंगे, ए डी ई का एरिया निकालेंगे, लेकिन इस बार इसको बेस ले लेंगे ए को और ये डी एन को हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे। यहाँ देखिए डी एन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अभी क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस का जगह ए और हाइट का जगह डी एन। इसी तरह और एक ट्राइंगल है यहाँ पे सी ई डी, कुछ ऐसा आप देख पाओगे सी ई डी, इसमें जब सी को मैं अगर बेस लूंगा, सी को अगर मैं बेस लूंगा तो इसका हाइट हाइट जो हो जाएगा कुछ ये वाला हो जाएगा। आप देखिए यहाँ फिगर में सी अगर बेस होगा तो इस सोचो सी अभी खत्म नहीं हुआ है, सोचो चलते रहा तो हाइट तो डी एन हो जाएगा ना, डी एन हाइट है, डी एन ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वही इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट होगा, ठीक है। ये ट्राइंगल का एक्सटर्नल हाइट होता है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, कहीं नहीं पढ़ी होंगी तो यहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, फिर से डी एन, और दोनों का अगर मैं एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, तो मेरे पास इधर आ जाएगा हाफ इंटू ए इंटू डी एन, यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डी एन, डी एन डी एन कट जाएगा, हाफ ऑफ कट जाएगा, मेरे पास बचेगा ए बाई ई सी। ओके, तो मेरे पास ये वाला रेशियो आ गया, इसको ले लूँगा टू। ओके अच्छा, अब आपको पता है कि एक थ्योरम होता है कि अगर दो सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के ऊपर अगर कोई दो ट्रायंगल बने, जैसे यहाँ पे बी डी ई और सी ई डी बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बी डी ई और एक सी ई डी है ना, ये दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, क्यों, क्योंकि कारण है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल, ऐसा होता है। अच्छा अगर इस जगह में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी को भी मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी लिख दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख ही सकता हूँ क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है ना, तो मेरे को क्या मिल रहा है, फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई बी डी, ये भी ट्राइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई बी डी है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मुझको मिल जाएगा
फ्रॉम वन एंड टू मुझे मिल जाएगा कि भाई दोनों तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई बी डी ही तो है, तो यहाँ से मिल जाएगा ए डी बाई बी डी बराबर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए ई बाई ई सी, और ये मेरा बीपीडी थ्योरम प्रूव हो गया। ओके ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी करना था मेरे को। अच्छा इसको इस थ्योरम को यूज़ करके निकालना है हमने कुछ, तो इसी रिजल्ट में बैठा दीजिए। ए डी दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में टू और बी डी सिक्स, तो टू बाई सिक्स इज इक्वल टू ए कितना है थ्री, और मेरे को निकालना है ई सी, इसी थ्योरम को यूज़ करके ई सी निकालना है। ठीक है तो मेरा कितना आ जाएगा देखिए, तो ई सी इक्वल टू थ्री थ्री जन नाइन, ई सी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके तो 33 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, आप लोग कर लीजिए ध्यान से। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 34 में बोला एक पेन स्टैंड है जो कि बना हुआ है वुड का, ठीक है, और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है, ठीक है, उसमें फोर कॉनिकल डिप्रेशन है जिसमें पेन होल्ड कर सकते हैं। डायमेंशन दे दिया है वो कॉनिकल डिप्रेशन का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ये क्यूबॉइड का दे दिया, पेन स्टैंड का वो डायमेंशन दे दिया, हर एक डिप्रेशन का रेडियस दे दिया और डेप्थ भी दे दिया, सारी चीज़ें हमको दे दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अच्छा ये तो पूरा वो वुड का बना हुआ है, सॉलिड है ना, ये तो पूरा वुड का बना हुआ है, ये तो सॉलिड है, ये जो है ये तो पूरा सॉलिड है, तो मेरे को करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड जो है मेरा बचा हुआ है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कोन, जो कोन अंदर बना हुआ है उसका वॉल्यूम, क्योंकि मुझे वॉल्यूम निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, मुझे यहाँ पे अगर एरिया निकालना होता तो फिर इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। ठीक है अच्छा, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन एंटर स्टैंड, तो इस तरह से करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कॉन। ओके तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे को दे दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर मेरे को दे दिया है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और मेरे को रेडियस दे दिया है कोन जो बना हुआ है उधर उसका, और डेप्थ भी दे दिया, हाइट भी दे दिया, दैट मीन्स जो कोन इधर बना हुआ है अंदर उसका ये भी दे दिया और ये भी दे दिया है ना, 0.5 और 1.4, तो मैं आराम से कर लूँगा इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, 15 बाय 10 बाय 3.5 माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1 बाय 3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ठीक है ओके तो हमको देखो आर भी दिया हुआ है एच भी दिया हुआ है, ठीक है तो हम लोग कर लेंगे इंटू इधर, तो 15 इंटू 3.5 10 इंटू 3.5, तो ये 35 हो जाता है, 15 इंटू 35 हो गया ये। अच्छा यहाँ पे कर लेंगे 4 इंटू 1 बाई 3, पाई मुझे कुछ लेना नहीं बोला है तो 22 बाई 7, आर मुझे कितना बोला है 0.5 मतलब हाफ, ओके, और दो हाफ है मेरे पास, एच मेरे पास कितना है 1.4, ओके। तो 15 इंटू 35 हम जब करते हैं तो मेरे को मिल जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 25 525 मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे 7 × 7 7 0 0 7 2 14, 1.4 जब कटा तो 0.2 हो गया है ना, ओके। देखो देखो ये 4 बाई 3 तो रहना, तो अभी यहाँ पे ये हाफ इंटू 22 करेंगे तो ये तो 11 हो जाएगा, क्योंकि 22 का हाफ 11,
ऐसे हाफ इंटू 0.1 करेंगे, इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो, हाफ इंटू 0.2 करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0.1, है ना। अगर आपको इंटू देखना है 35-15 का तो आप लोग यहाँ से करके देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब 525 माइनस, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 इंटू 0.1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4.4/3। ध्यान से देख लीजिए आप लोग इसको, है ना। अभी देखो सारे चीज़ें सेंटीमीटर में थे, मुझे कुछ बदलने का भी नहीं है, सारे को मतलब को स्टैंड का वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में, स्टैंड का जितना लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, और कोन का भी जो रेडियस और हाइट दिया था वो भी सेंटीमीटर में था। तो मेरा पूरा कैलकुलेशन करके मैं 100% श्योर हूँ, मेरा जो आया एकदम करेक्ट आया। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा, 4 × 1/3, 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, करेक्ट है। ओके, 7 × 0.2 हो गया हाफ का, 0.2 का हाफ किया तो 0.1, और 22 का हाफ किया तो 11, एकदम करेक्ट है। ओके, 44 × 0.1, 4.4/3, एकदम करेक्ट आ गया यहाँ तक। ओके, तो आंसर जो है हमारा ये आ जाएगा 525 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 7, और 3 × 5 = 15। तो हम चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे भी हम लोग फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट में निकालेंगे, एक जगह अच्छा रहेगा, ठीक है। तो या हम ऐसा कर सकते हैं, 4.4 को 3 से डिवाइड करते हैं, बेटर रहेगा ऐसे इंटू करने से, अच्छा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम सीधा माइनस कर देंगे जो भी आएगा उसको, 4.4 को डिवाइड करना है ज़्यादा आसान है 3 से, 3 × 1 = 3, 1 पॉइंट आ जाएगा, और 4 गैरी 3 × 4 = 12, 2 फिर 0 आ जाएगा, 3 × 6 = 18, तो 1.46, 525 माइनस 1.466 आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू आएगा तो 1.47 ही कर देंगे, तो 525 जो भी आएगा अप्रोक्स में आएगा, माइनस 1.47 कर देंगे, 10 में से 3 गया, 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टैंड आ जाएगा। ओके, आप लोग देख लीजिएगा कितना आता है आपका, अप्रोक्स में आंसर बुक में नहीं भी दिया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि बुक में ऐसे फ्रैक्शन में आंसर छोड़ दिया हो, ठीक है, डिवाइड बाय 3 नीचे छोड़ दिया हो, ठीक है। तो ये अप्रोक्स आपको लिख देना है इधर, ओके। नेक्स्ट करते हैं, रमेश मेड अ बर्ड बाथ, इसको भी करेंगे हम लोग, सेकंड में पीछे जगह है हमारे करने के लिए। रमेश मेड अ बर्ड बाथ, बर्ड बाथ बनाया उसने, ये शेप ऑफ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, अच्छा ऊपर से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, और हाइट जो है सिलेंडर का 1.45 मीटर है, और रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छा। तो देखो रेडियस सेंटीमीटर में, हाइट मीटर में, थोड़ा देख लेना है, ठीक है, हमने सिलेंडर का तो, और बाकी सारे सब चीज़ें ठीक लग रही है मेरे को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ओके, तो पहला बात है कि मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ यहीं पे, देखो 30 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0.3 मीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर में, मतलब 30 बाय 100 कर लिया तो इतना आ गया, ठीक है। ओके, अब ये मीटर में 0.3 मीटर, आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये मीटर में आ गया, अब हम आराम से करेंगे। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉड बाथ, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉड बाथ मतलब, अब नीचे का एरिया तो आप छूने छूओगे नहीं, नीचे का तो आपको मतलब नहीं है, ओपन है, ठीक है, और ऊपर से जो है वहाँ पे बर्ड ना आएगा, तो आपका जो सिलेंडर का जो है आप कहाँ कहाँ छू सकते हो, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया छू सकते हो, और हेमिस्फेयर में आप कहाँ से छू सकते हो, हेमिस्फेयर का भी आप ध्यान से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया ही छू सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो एरिया और वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कैसा करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ बर्ड बाथ जो होगा वो होगा बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, क्योंकि अंदर भी छू सकते हो आप, लेकिन इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों प्लस करेंगे।
कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? देखिए सिलेंडर कट सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच है ना, और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिलेंडर का हो जाता है 2 पाई आर एच और इसका स्फेयर का हो जाता है 2 पाई आर एच। ओके करते, 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, आर भी कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचता है एच और यहाँ बचता है आर। अच्छा वैल्यू बताएं तो 2 × 22/7 आर हमारे पास कितना है, रेडियस आपका था 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, और यहाँ पे एच हमारा है 1.45 मीटर में ही है, सब कुछ मीटर में, और हमारा रेडियस हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, ओके एच में हमारा 1.45, ठीक है, और रेडियस में 0.3 मीटर, 2 × 22/7 × 0.3, और यहाँ आ जाएगा 1.45 + 0.3, दैट मीन्स 1.75। तो ये 7 से कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, 7 × 0 = 0, 7 × 2 = 14, 50 × 7 = 35, 7 × 5 = 35, 0.25। ओके देखो 2 × 22 = 44 हो गया, लिख देते हैं 44। अच्छा 44 बाद में लिखने से भी चलेगा, इसको हम और आसानी से हम लोग कर लेंगे, नहीं लिखेंगे तो और अच्छा है, बाद में आसानी से करेंगे ऐसा कैलकुलेशन। देखो 0.3 × 0.25, देखो 25 × 3 = 75 होता है, इतना आपको पता है ना, 25 × 3 = 75, आप फिलहाल वही लिखो, और 0 0 कुछ लगा के रखो। अभी देखो क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 1 इधर है, और पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर, मतलब 3 नंबर के बाद पॉइंट, मतलब यहाँ 0.075 आना चाहिए, 2 × 22 × 0.075 ये आपका आना चाहिए। ओके क्योंकि 25 × 3 = 75 होता है, और मैंने और 0 लगा दिया, बस एक पॉइंट लगा दिया। अच्छा 0.75 का डबल अगर मैं कर दूँ, ठीक है, 0.075 का अगर मैं डबल कर दूँ तो पता है मेरे को 175 का 75 का डबल 150 होता है ना, तो मैं अगर 5 × 10 करूँगा और 2 × 7 = 150 ही आएगा, और यहाँ पॉइंट है 2 0 0 0, तो ये 0.150 हो जाएगा, और 22 × 0.150, और अब जब इसका मैं इंटू करूँगा 22 से, अब क्या आ जाएगा, तो 22 से जब 0 करना हो, जब 22 से इंटू करना होता है, इसका और भी आसान तरीका है। देखो 0.150 का मैं जब इंटू करूंगा 22 से, तो इसका डबल आपका हो जाता है 0.300, और 11 इंटू करके करेंगे इसको हम लोग, तो आपका आ जाएगा 0। आप लोग नॉर्मल इंटू करके कर लो, मैं आपको सीधा सीधा आंसर लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको आप जब 11 से इंटू करोगे, 22 से इंटू करोगे, आपका 3.300 आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर, तो 3.300 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक है। ओके तो कर किया क्या मैंने, 22 × 0.150 का डबल किया और × 11 कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, ये 35 क्वेश्चन, मीडियन। तो मीडियन में क्या है आपका, जो फॉर्मूला है मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। मीडियन में हमको करना क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है पहले, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पहले। तो
तो यहाँ पे जैसे कि 2 दिया हुआ है, तो ये 2 तो 2 ही हो जाएगा, और देखो 2 प्लस 4 6 है ना, इसके बाद प्लस करते जाएंगे, 6 प्लस 18 24, 24 प्लस 21 45, 45 प्लस 33 करीब करीब 88 हो जा रहा है, 40, 57, 70, 78 हो जा रहा है करीब करीब, 45 प्लस 33 78 हो जा रहा है, तो मैं 78 कर देता हूँ, 78 और 11 आपका हो जा रहा है 89, 89 और 3 आपका हो जा रहा है 92, 92 और 6 हो जा रहा है 98, और 98 2 हो जा रहा है 100, और हमको पता है कि ये 100 लोगों का पॉलिसी है, और मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लास्ट में 100 आ रहा है, एकदम करेक्ट है, तो क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो 100 लोगों का ही है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसको करना कैसे है, हमने ये फॉर्मूला जो लिखा है इसके हिसाब से हमको सबसे पहले एन बाई टू करना है, तो 100 बाई 2 कितना होता है, 100 बाई 2 होता है 50, एन बाई टू करना है सबसे पहला काम, यही है कि मेरे को एन बाई टू करना है, जब एन बाई टू किया तो मेरे को आया 50, अब 50 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ देखना है, मेरे को 50 से बड़ा नंबर देख रहा हूँ 78, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है मेरे को, तो देख रहा हूँ 78 है, तो 78 के अगेंस्ट में जो मेरा मीडियन क्लास है, ये जो मीडियन क्लास, ये जो क्लास दिख रहा है इसको मैं मीडियन क्लास बोलूँगा, क्योंकि 50 से जो बड़ा है एकदम इमीडिएट जो बड़ा है वो मेरे को दिख रहा है 35 से 40, तो मीडियन क्लास जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 35 से 40, मीडियन क्लास मेरा हो जाएगा 35 टू 40। अच्छा, फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो यहाँ देखो, इससे पहले मेरे को सारा जान के रखना, एल कितना हो जाएगा मेरा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट मीन्स 35, एन मेरा कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 100, सी एफ मेरा कितना हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इसका प्रीसीडिंग क्लास तो ये वाला है ना, और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 45, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, ठीक है, क्लास सक्सेसिंग नहीं बोला, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, और सक्सेसिंग बोलता तो बाद वाला, तो 32 35 वाला जो है इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी 45 है, तो 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास जो है 33 ले लेंगे, और एच जो है क्लास साइज, एच कितना हो जाएगा मेरा फिर 35 से 45 हो जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके हम बैठाएंगे, अब मीडियम निकालते हैं, तो हमें तो मीडियम ही निकालना है, तो मीडियम निकाल लेंगे, कुछ पॉइंट में आएगा तो कोई बात नहीं, एल कितना है 35, तो 35 प्लस एन बाई टू कितना 50, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 50 माइनस सी एफ कितना है 45, और नीचे क्या है एफ, एफ कितना है 33, और क्लास का साइज कितना है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 45 5, और 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ 5 आएगा तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ठीक है, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ एन टू एच हमारा फॉर्मूला मैंने लगा दिया, ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू एच, ठीक है, तो मेरा 25 बाई 33 को डिवाइड करेंगे जो आएगा 33 0 0 0, पॉइंट लगाएंगे जीरो आएंगे, तो 33 8 3 24 2 8 24 26, 8 से तो नहीं होगा हमारा, 7 से देखते हैं, 7 3 21, और 7 3 21 22 23, 7 3 21 2 7 22 31, अच्छा 8 3 24 2 8 26, ओके, तो मेरा 7 आ जा रहा है, तो 35 प्लस मेरा आ जा रहा है 0.7, इतना ही लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा, तो दैट मीन्स 35.7 मेरा जो हो जाएगा ये मीडियन हो जाएगा, ओके, मीडियन मेरा हो जाएगा 35.7, तो ये